बाइटी स्टूडियो में सिर्फ एक सेटिंग ओपन करने से आपके चैनल में बहुत ज़्यादा व्यूज आएंगे। आप लोग वो सेटिंग ऑन किए हैं या नहीं किए हैं उसको आप जान लीजिए। सिर्फ एक सेटिंग ओपन करने से आपका चैनल बहुत आगे जा सकता है और आपके वीडियो में बहुत ज़्यादा व्यूज आ सकते हैं। अगर आप एक नई यूट्यूबर है तो अपने बाइटी स्टूडियो में वो सेटिंग ऑन कर लीजिए, इससे आपके चैनल में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मैंने भी अपने चैनल में ओपन नहीं किया था, जब पता चला तो मैं जल्दी से जल्दी उसको ओपन कर लिया। फिर मैंने ये सोचा कि इस सेटिंग को आपको भी शेयर करना चाहिए जिससे आपकी YouTube चैनल में बहुत ज्यादा व्यूज आने लगे, तो उस सेटिंग को आप ओपन कर लीजिएगा। बाइटी स्टूडियो में वो कौन सी एक सेटिंग है जिसको आपको ओपन करना चाहिए, इसको मैं पूरा विस्तार से समझाऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने भाई के चैनल टेक्निकल रत्नाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको बाइटी स्टूडियो ओपन कर लेना है। बाइटी स्टूडियो ओपन होने के बाद यहाँ पर आपका चैनल आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इसका प्रॉफिट बता देता हूँ कि वो एक सेटिंग ओपन करने से प्रॉफिट क्या होता है। आपको क्या करना है कि यहाँ नीचे कॉन्टेंट का ऑप्शन दिख रहा ना, तो कॉन्टेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके चैनल के सारे वीडियो यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपको यहाँ से वो वीडियो ओपन करना है जिसमें 100 से ज़्यादा व्यूज आए हैं। तो मैं जैसे ये वाला वीडियो ओपन कर लेता हूँ। वीडियो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको वीडियो की एनालिटिक्स पर चले जाना है। एनालिटिक्स पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहां पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है हाउ व्यूअर्स फाउंड दिस वीडियो, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है YouTube रिकमेंडेशंस, और उसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है यूट्यूब होम और सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है अप नेक्स्ट। तो इससे फायदा क्या होता है, तो यह क्या काम करता है, अगर आप उस सेटिंग को ओपन कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका वीडियो यूट्यूब होम में आने लगता है। तो YouTube होम क्या होता है इसको बताने के लिए हमें YouTube पर जाना पड़ेगा, तो मैं यहां पर YouTube ओपन कर लेता हूं। YouTube ओपन करने के बाद यहां पर आपको जो वीडियो दिखाई दे रहे हैं ना, इसको YouTube होम कहते हैं, मतलब कि आपका वीडियो यहां पर आने लगेगा अगर आप उस सेटिंग को ओपन कर देंगे, और एक जगह और आपका वीडियो दिखाने लगेगा। यहां पर आपको एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहां पर आप अपने यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए। अपना यूट्यूब चैनल सर्च करने के बाद अपना यूट्यूब चैनल यहां पर आपको ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे उसके बाद इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है फॉर यू, तो यहां पर भी आपका वीडियो दिखाने लगेगा अगर आप उस सेटिंग को ओपन कर देते हैं। और दूसरी बात, बाइटी स्टूडियो में दूसरा ऑप्शन क्या लिखा था, अप नेक्स्ट। अगर आप उस सेटिंग को ओपन कर लेते हैं तो आपका वीडियो अप नेक्स्ट में भी जाने लगता है। अप नेक्स्ट क्या होता है इसको भी बताने के लिए यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, तो यहां पर मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूं। यूट्यूब ओपन करने के बाद यहां पर आपको एक वीडियो प्ले कर लेना है। वीडियो जब आप प्ले करेंगे, वीडियो देखते जाएंगे, जब वीडियो लास्ट हो जाएगा तो लास्ट में आपके वीडियो में अप नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऊपर, तो यहां पर भी आपका वीडियो आने लगेगा। मतलब कि जब कोई वीडियो देखेगा तो उसके बाद आपका वीडियो आने लगेगा अप नेक्स्ट में, तो यहां पर भी आपका वीडियो आने लगेगा अगर आप बाइटी स्टूडियो से उस सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि बाइटी स्टूडियो में वो कौन सी सेटिंग है जिसको आपको ओपन कर लेना चाहिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैं बाइटी स्टूडियो ओपन कर लेता हूं। बाइटी स्टूडियो ओपन करने के बाद यहां पर आपको सबसे ऊपर अपने चैनल का आइकन दिख रहा होगा, तो अपने चैनल के आइकन पर क्लिक कर देंगे, और यहां आपको एक पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा तो आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सर्च होगा उसके बाद ये पेज आपके सामने आएगा, तो यहां पर लिखा होगा रिकमेंडेशंस फॉर योर व्यूअर्स और उसके नीचे लिखा हुआ है फॉर यू, तो इसके सामने आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा, तो इसको आपको इनेबल कर देना है। अगर आपने डिसेबल कर रखा है तो इसको इनेबल कर देंगे तो आपका वीडियो रिकमेंडेशंस में जाने लगेगा, मतलब कि यूट्यूब होम में और अप नेक्स्ट में जाने लगेगा, और आपको जो मैंने चैनल पर दिखाया था ना फॉर यू, तो वहां पर भी आपका वीडियो जाने लगेगा। तो बाइटी स्टूडियो में सिर्फ ये सेटिंग ऑन करने से आपके व्यूवर्स आने लगते हैं, तो आप ये वाली सेटिंग ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। पहले मुझे भी नहीं पता था, जब पता हुआ तो मैंने इनेबल किया और आपको भी बताना जरूरी समझा, तो मैंने ये वीडियो बना दिया। और एक बात और, YouTube में एक न्यू अपडेट आई है जिसमें लिखा हुआ है क्रेविंग समथिंग न्यू, और उसमें तीन कलर दिखाई दे रहे हैं, रेड ब्लू ग्रीन, तो इसका मतलब क्या है और इससे आप क्या अपने चैनल पर कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, और जो ये वीडियो दिख रहा है ना तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है ना तो अपने भाई के चैनल टेक्निकल रत्नाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।